लगातार जो काले धब्बे पड़ रहे हैं उसमें से एक और बड़ा, अब तो इनके कमीज का तो रंग तो काला ही हो गया है क्योंकि पूरी तरह से इतने घटनाएं हो रहे हैं। और ये जो है ये साबित कर दिया कि झारखंड में सीएम, माइनिंग मिनिस्टर, एडवोकेट जनरल, आईएएस ऑफिसर जो भी इसमें शामिल है, पदाधिकारी जिसमें शामिल है, सबने जो मिलकर के प्रदेश का संपत्ति और धन को लूटने के लिए षड्यंत्र जो रचाया, बिना फॉरेस्ट क्लियरेंस का शाह ब्रदर्स ने पिछले चार साल में माइनिंग का जो काम किया वो किसके आदेश पर हुआ? एडवोकेट जनरल ने जो कंसेंसस बोला था कि समझौता हो गई है पार्टी के बीच में, बिना सरकार के फाइल में नोट करके तो कैसे किया? एडवोकेट जनरल ने पहले बोलते कि लीज एक्सटेंशन को कैंसिल करो और तुरंत दो महीने बाद बोलते कि जो है समझौता हो गया है, इसका खेल क्या है? रघुवर जी और रघुवर जी के जो है सेक्रेटरिएट में जो पदाधिकारी गए उनका क्या संबंध है? फॉरेस्ट जो है जो शाह ब्रदर्स ने जो लौटा रहे थे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को, जिसको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को नहीं दे सकते हैं माइनिंग को, वो जो है उस जमीन को खनन किया गया था कि नहीं, वो बंजर जमीन है कि नहीं? तो हमारा कहना है कि पिछले 1300 करोड़ का जो जुर्माना लगा है और उसको पूरी तरह से छूट दिया गया बिना किसी क्लियरेंस का। आप तो बिना रजिस्ट्रेशन का तो गाड़ी नहीं चला सकते साहब, पोल्यूशन का तो पुलिस वाला सिपाही लोग ट्रैफिक का जो है इंश्योरेंस, यहां तो पूरा पहाड़ी खाली कर रहा है, ये अजीब है। आपके लिए जो मोटरसाइकिल चेकिंग में इंश्योरेंस चाहिए, सर्टिफिकेट चाहिए, पोल्यूशन चाहिए, और शाह ब्रदर्स के लिए यार पहाड़ ले जाओ, कुछ भी ले जाओ, अनुमति जो है की आवश्यकता नहीं। प्राइमा फेसी किसकी किसकी सहभागिता है इसको लेके आप क्या? प्राइमा फेसी में तो देखिए खनन मंत्री कौन है आप बताइए, ठीक है, खनन मंत्री है, खनन मंत्री के विभाग में जितने भी लोग हैं, यार मैंने पहले भी शुरुआत से कहा था कि हम तो पुलिस में रहे, हमने इस तरह का जो उदंड व्यवहार जो है कानून के प्रति जो है कि कुछ नहीं होगा। डीएमओ जो 1300 करोड़ का जो है जुर्माना को 250 करोड़ कर लेते हैं, ये डीएमओ की हिम्मत की चीज नहीं, कौन है ऊपर का शकार उसके बारे में आपको जानकारी लेनी पड़ेगी।